नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। घाटी में लगातार ड्रोन हमले जारी हैं। बॉर्डर के पार से या इस पार से कहीं ना कहीं से ड्रोन के जरिए भारत को दहलाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय सेना भी अलर्ट है। इसी बीच भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में घाटी में आज आतंकवादियों की लाशें बिछा दी गई, कई आतंकवादी ढेर किए गए, पूरा का पूरा आतंकी लॉन्चिंग पैड ही तबाह कर दिया गया, पूरे एरिया को दहला दिया गया। भारतीय सेना की इस जवाबी कार्रवाई से जम्मू कश्मीर के जितने भी आतंकी संगठन थे सब के सब सिहर उठे हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान तो बिल्कुल हैरान हो गया है। पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी हो गया है। पाकिस्तान की सेनाएं हरकत में आ गई हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत कभी भी बॉर्डर के उस पार भी कार्रवाई कर सकता है। एक खबर है जो जम्मू कश्मीर से है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर अरेनिया सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को नाकाम बनाया गया, जबकि 6 दिनों के बाद देर रात जम्मू के वायुसेना हवाई अड्डे पर फिर से ड्रोन को देखा गया। दोनों ही मामलों में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए उन पर गोलियां बरसाई और उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। जम्मू के सीमावर्ती अरनिया सेक्टर जाबोवाल में पोस्ट के करीब आज सुबह 5 बजे के करीब पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। जैसे सीमा पार कर तैनात बीएसएफ के जवानों की इस पर नज़र पड़ी तो उन्होंने तुरंत इस पर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही समय के उपरांत पाकिस्तानी ड्रोन लौट गया। अन्य विवरण हम आपको दिखाते हैं। दरअसल जानकारी के अनुसार सीमावर्ती अरनिया सेक्टर के जबोवाल पोस्ट पर सीमाओं की रक्षा में तैनात बीएसएफ के जवानों की नज़र पाकिस्तानी ड्रोन पर पड़ती है। पाकिस्तानी ड्रोन पर पड़ते ही फायरिंग शुरू कर दी जाती है। फायरिंग जैसे शुरू होती है पाकिस्तानी ड्रोन जो है भाग खड़ा होता है। बता दें आपको कि बीएसएफ के जवानों ने 25 के करीब राउंड पाकिस्तानी ड्रोन पर दागे। इसके तुरंत बाद ड्रोन पाकिस्तानी सीमा की ओर लौट गया। इस घटनाक्रम के उपरांत बीएसएफ के जवानों ने सीमा पार सघन तलाशी अभियान छेड़ दिया है। सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों के साथ सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस की तलाशी अभियान भी जारी है। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि कहीं पाकिस्तान ने ड्रोन की मदद से सीमावर्ती क्षेत्र में नशीले पदार्थ की खेप या फिर हथियार तो नहीं भेजे हैं। जबोवाल पोस्ट के आसपास रहने वाले लोगों से भी आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। दूसरी ओर जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर हमले के 6 दिन बाद फिर से ड्रोन देखा गया। देर रात 12:45 पर एयरबेस के ऊपर ड्रोन देखा गया। एनएसजी कमांडो ने कार्रवाई करने की कोशिश की लेकिन ड्रोन गायब हो गया। एयरफोर्स प्रशासन की ओर से तत्काल पुलिस को भी जानकारी दी गई। प्रशासन को शक था कि कहीं आसपास से ही कोई इसे ऑपरेट कर रहा है। एसपी साउथ जम्मू दीपक डिंगरा का कहना है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। सूचना मिलते ही पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सुबह 3 बजे तक आसपास क्षेत्रों में तलाशी ली गई है और ड्रोन कहां से आया, किस तरफ से आया है उसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। इधर ड्रोन का मामला थम नहीं रहा है। उधर घाटी में आतंकी घटनाएँ बढ़ गई हैं और आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भारतीय सेना का एक्शन भी बढ़ गया है। भारतीय सेना इस समय आतंकवादियों को घरों से ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है और उन्हें ढेर कर रही है। आपको बता दें जब से दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की गई है, कश्मीर के सारे नेता दिल्ली आए थे और दिल्ली में बैठक हुई, उस बैठक के बाद अभी तक ये पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर में उस बैठक में फैसला क्या किया गया है। लेकिन इतना साफ है कि जम्मू को साफ सुथरा करने की कार्रवाई शुरू हो गई है और इस पर नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के नेताओं से भी हामी भरा ली है। इसीलिए जब से दिल्ली में बैठक हुई है तब से घाटी में सफाई अभियान जारी है। अब ये सफाई अभियान सेना अगर कर रही हो तो आप समझ सकते हैं कि सफाई अभियान किस प्रकार सेना करती है। समाज के गंदी नाली के कीड़े, गटर के कीड़ों की सफाई हो रही है। समाज में जो गटर होते हैं उसमें जो कीड़े पड़ते हैं उन्हें आतंकवादी कहा जाता है और जो उन्हें सहायता करता है, सहायता देता है, वो गटर कहलाते हैं। और गटर की और गटर में पलने वाले कीड़ों की दोनों की सफाई इस समय जारी है। सुबह हमने खबर ब्रेक किया था, हमारे चैनल ने खबर ब्रेक किया था जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे। दोपहर 2 बजे तक 3 आतंकवादी हो गए और आज शाम होते होते 5 आतंकवादी हो गए। ये तो वो जानकारी है जो हमें सेना की तरफ से मिल रही है। इंटरनल सेना कितनी भयानक कार्रवाई कर रही होगी इसका अंदाज़ा
हमें और आप को नहीं होगा। दरअसल जब से घाटी में ड्रोन हमले हुए हैं और ड्रोन कहां से आते हैं और कहां गायब हो जाते हैं, तब से कहीं ना कहीं सेना को ये अंदेशा है, ये शक है कि कश्मीर के ही कुछ लोग हैं, कश्मीर में छुपे या तो आतंकवादी हैं या कश्मीर के कुछ लोग हैं या आतंकवादियों के मददगार कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कश्मीर में जो भारतीय सेना अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई से परेशान ऐसे लोग सेना पर बड़ा हमले करने की फिराक में हैं। अब इससे तभी बचा जा सकता है जब हम हमला करने वालों को उनके सही अंजाम तक पहुंचा दें और सेना उनको सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने ऑपरेशन क्लीन, मतलब कि अपने एनकाउंटर अभियान को लगातार कार्रवाई कर रही है और उसमें कई आतंकवादी मारे जाने की खबर भी हमारे आपके सामने लगातार आ रही है। यकीनन भारतीय सेना इसमें सफाई अभियान में है। अभी खबर मिली है कि पाकिस्तान को सबूत सौंपे गए हैं, भारत में जो ड्रोन हमले हुए हैं उसके सबूत पाकिस्तान को सौंपे गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। भारतीय सेना सबूत सौंपती है, पाकिस्तान जवाब नहीं देता। आखिर में जवाब कौन नहीं देता? वही नहीं देता जिसने गलती की हो, और ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि उसने गलती कर चुका है। और जब कोई बच्चा गलती करता है या कोई पागल गलती करता है या कोई गुंडा बदमाश गलती करता है तो उनके हर गुंडे बदमाश, हर बच्चे, हर पागल के गलती के विपरीत उसको समझाने का तरीका भी अलग अलग होता है। हम चीन को अलग तरीके समझाते हैं, पाकिस्तान को गलत तरीके समझाते हैं, आतंकवादियों को गलत तरीके समझाते हैं। दोनों के तरीके अलग अलग हैं, दोनों के तरीके अलग अलग हैं। किस कौन किस एंगल में समझना चाहता है वो इंडियन आर्मी डिसाइड करती है। और आतंकवादियों को उनके सही अंजाम तक पहुँचाने के लिए हमारी इंडियन आर्मी अपने अलग अंदाज में है। आज अलग अंदाज का नतीजा है कि लगातार एक हफ्ते से हम हर रोज किसी न किसी आतंकवादी के 72 हूरों के पास पहुंचने की खबर आपको पहुंचा रहे हैं। 20,000 जवानों को भेजा गया है दिल्ली से, उन जवानों को वहां पर आइसक्रीम खाने के लिए नहीं भेजा गया है, कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए नहीं भेजा गया है, उन जवानों को कश्मीर में इंजॉय करने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि उन जवानों को कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भेजा गया है। जिन आतंकवादियों जो आतंकवादी सरेंडर नहीं कर रहे हैं वो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, जो आतंकवादी सरेंडर कर देते हैं उनको सही रास्ते पर लाने के लिए मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी उनकी मदद की जाती है, उनको मौका दिया जाता है। लेकिन अगर जो मुख्यधारा में लौटना ही नहीं चाहते हैं उनके लिए तो सिर्फ एक ही जवाब है, वो है एनकाउंटर, और वो चल रहा है। अब ये फैसला आतंकवादी कर लें, दहशतगर्द कर लें कि उनको जीना है या मरना है। अगर जीना है तो हथियार छोड़ दें और अगर मरना है तो भारतीय सेना के सामने आ जाएं, भारतीय सेना उनके मरने में उनकी बखूबी मदद करेगी। खबर में बस इतना ही, बने रहिए ओनली न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।